उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री बनने के बाद बेबी देवी आज पहली बार बोकारो पहुंची। दिशा की बैठक में शामिल होने आई मंत्री ने पहले बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस दौरान उनके साथ जिलाध्यक्ष समेत कई नेता भी मौजूद रहे। मंत्री बेबी देवी ने कहा कि मंत्री जी ने जो अधूरा काम छोड़ा है उसे पूरा करने का काम मैं करूंगी। राजद के प्रदेश कार्यालय में पार्टी का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष संजय यादव के अलावा पार्टी कोटे के मंत्री सत्यानंद भुक्ता के साथ ही बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भुक्ता ने कहा कि बैठक में आगामी चुनाव के साथ ही पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा हुई। जहां तक सीटों के बंटवारे का सवाल है तो उस पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। पासवा की तरफ से आगामी 10 जुलाई को छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। 10वीं और 12वीं में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले करीब 15,000 छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। खेल गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मंत्री हफीजुल हसन मौजूद रहेंगे। रांची के मुख्यमंत्री के सचिव सह नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने काटाटोली फ्लाईओवर के निर्माण के तहत लॉन्चिंग गार्डन से प्रीकास्ट सेगमेंट बॉक्स की लॉन्चिंग कार्य का शुभारंभ किया है। विधि विधान से पूजा के बाद सेगमेंट चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी स्थित ईवीएम वेयर हाउस के आंतरिक व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के तहत मानकों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ईवीएम के रख रखाव समेत अन्य मानकों का जायजा उपायुक्त द्वारा लिया गया। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसको लेकर ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस और शहरी क्षेत्र के पुलिस को निर्देश दिया गया है कि सभी अपने अपने थाने क्षेत्र में पेट्रोलिंग गश्ती बढ़ा दी जाए ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना न करना पड़े। इन दिनों रांची शहर ग्रामीण क्षेत्रों में छिनताई चोरी की घटना हो रही थी, जिसे ग्रामीण और राज्य पुलिस ने मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का काम किया है। रांची शहर में ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, इसकी वजह से कई जगह नाली बंद है। नाली बंद हो जाने के कारण गंदा पानी सड़क में बह रहा है। सावन का पावन महीना चल रहा है, इस महीने लोग पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे में ओवरब्रिज पटेल चौक रेलवे स्टेशन के पास गंदा पानी बह रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को कितनी परेशानी होगी। बोकारो जिले के फुसरो नगर परिषद क्षेत्र का सीसीएल डोरी क्षेत्र में कारी पानी एक ऐसा गांव है जहां आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जिसे हर रोज गंदे नाले के किनारे गड्ढा खोदकर चूहा बनाकर पानी निकालकर खाने पीने के दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह गांव फुसरो नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 में आता है, जहां के लोग वर्षों से इसी तरह चूहा के पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं।